वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास. टुडे वी विल कवर डीजी फॉर योर ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम डीजी. क्या आप जानते थे कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु में विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत की जा सकती है. संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं. संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर उन्हें जैव और अजैव संसाधन में बांटा जाता है. संसाधन जिनमें जीवन होता है जैविक संसाधन होते हैं. उदाहरण के लिए मानव जाति, जानवर और पौधे. ये जीव वस्तुएं जैसे कि पहाड़ और खनिज अजैव संसाधन होती है. संसाधनों को उनकी नश्वरता के आधार पर भी अक्षय और गैर अक्षय संसाधन में भी बांटा जा सकता है. नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होते और पुनः उत्पादित किए जा सकते हैं. उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन्य जीव. अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला पूर्णतः समाप्त हो सकते हैं क्योंकि ये बनने में लाखों लाख वर्ष लगाते हैं. अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं. वे जो पुनः चक्रित हो सकते हैं और वे जो पुनः चक्रित नहीं हो सकते हैं. कोयला पुनः चक्रित नहीं होने वाला संसाधन है जबकि धातुएं पुनः चक्रित होने वाली संसाधन है. संसाधनों को उनके स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है. व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास है. उदाहरण के लिए भूमि, घर और कुआं जिनका स्वामित्व व्यक्ति विशेष के पास होता है. सामुदायिक संसाधन वे संसाधन हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों की पहुंच में होते हैं. उदाहरण के लिए खेल के मैदान और किसी शहर में अस्पताल होते हैं जो सभी लोगों के लिए सुलभ होते हैं. राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन हैं जो देश के स्वामित्व के अधीन होते हैं. सभी प्राकृतिक संसाधन भूमि को अंतर्निहित करते हुए जल, जंगल और वन्य जीव सभी देश के राजनीतिक घेरे के अंदर है जो कि राष्ट्रीय संसाधन है. राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन भी है जो समुद्री क्षेत्रफल के तट से लगभग 12 समुद्री मील के अंदर है जो क्षेत्रीय पानी के नाम जाना जाता है. अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा नियंत्रित होते हैं. उदाहरण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के 200 किलोमीटर से बाहर सामुद्रिक संसाधनों का इस्तेमाल देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है. अंतिम रूप से संसाधन उनके विकास की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं. विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जो पहले से ही सर्वेक्षित हैं और उनके उपयोग के लिए गुण और मात्रा का आकलन किया जा चुका है. उदाहरण के लिए भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
हवाओं में उच्च तेज क्षेत्र से प्राप्त किए जाते हैं। संभावित संसाधन वे संसाधन है जिसका अस्तित्व किसी क्षेत्र में होता है और भविष्य में जिसका उपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात के पास पवन और सौर ऊर्जा के बड़े संभावित क्षेत्र हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है लेकिन भविष्य में हो सकता है। संरक्षित निधि वैसे संसाधन है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि वर्तमान में तकनीकी ज्ञान सीमित है। उदाहरण के लिए नदी का पानी पर बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि वर्तमान में इसका उपयोग सीमित हद तक किया जा रहा है। भंडार सामग्रियों को संदर्भित करता है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता रखता है लेकिन तकनीकी रूप से अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत हो सकता है लेकिन मानव जाति के पास अभी तक तकनीक नहीं है कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए। संसाधनों के विभिन्न चर्चा करें कि कैसे अजय और नेहा दोनों के लिए परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जा सकता है। चर्चा के बाद आगे बढ़ने के लिए जारी रखे बटन पर क्लिक करें। संसाधनों के समान वितरण की आवश्यकता को इंगित करता है। यह देश के सभी क्षेत्रों में संसाधनों को समान रूप से वितरित करके किया जा सकता है। क्या यह पर्याप्त है? यदि हम लोग संसाधनों के संतुलित वितरण पर आश्वस्त हो जाएं, नहीं। संसाधनों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सुधारों, मानव संसाधनों और क्षेत्र संबंधित विपुलता का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का विकास क्या है? इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक उदाहरण लें। किसी गांव से बहती हुई नदी उस गांव की जलापूर्ति समस्या को दूर कर देती है।
इससे परे क्या नदी को दूसरे उपयोगों के लिए रखा जा सकता है? हाँ, छोटे पैमाने पर जल विद्युत या बिजली स्थापित किया जा सकता है। यह बिजली घर उस गांव के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे पड़ोसी गांव के लिए भी विद्युत उत्पन्न कर सकता है। यह है संसाधनों का विकास। यह पानी के संदर्भ में है। संसाधनों का विकास समसामयिक पर्यावरण को बिना बाधित किए हुए और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पहले रखकर होना चाहिए। यह आर्थिक विकास के रूप में जाना जाता है। संसाधन योजना के तहत संसाधनों के विकास और संतुलित वितरण के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत में संसाधन योजना 3 बड़े चरणों में की जाती है। पहले चरण में प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की पहचान की जाती है। यह संसाधनों के सर्वेक्षण, मानचित्रण, गुणात्मक और मात्रात्मक आकलन और मापन द्वारा किया जाता है। दूसरे चरण में ब्योरेबल संसाधन विकास योजनाएं क्षेत्रीय स्तर पर बनाई जाती हैं। ये योजनाएं उपयुक्त तकनीक और निपुणता को विस्तार देती हैं। योजनाओं के सफलतापूर्ण प्रदर्शन के लिए निपुणता एवं संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तीसरे और अंतिम चरण में दोनों योजनाओं के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन विकास योजना पूरे राष्ट्रीय विकास योजना के साथ पंक्तिबद्ध रूप से प्रदर्शित की जाती है। अब हम संसाधनों के विकास में संलग्न चरणों को जान चुके हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग कैसे संसाधनों के विकास में योगदान कर सकते हैं? कुछ लोगों के पास संसाधनों का संचय गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को बढ़ा देता है। इस खाई को निश्चित रूप से संसाधनों के बराबर वितरण करके कम किया जा सकता है। संसाधनों का अंतरपूर्ण शोषण ग्लोबल वार्मिंग जैसे पारिस्थितिकीय मुद्दों का नेतृत्व करता है। ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण एवं भूमि क्षरण। अगर भविष्य के मामले के रूप में हमें सभी कीमती संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। संसाधन योजना प्रक्रिया में चरणों की संख्या सीधे पहले होती है। हर कदम के बगल में ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें और उचित चरण संख्या का चयन करें। एक बार कार्य पूरा हो जाने पर ऊपर चौथे बटन पर क्लिक करें। गणेश एक किसान है। जेनिफर रियल एस्टेट एजेंट है। गोपाल एक खनिक है। अरुण एक भूवैज्ञानिक है। ये सभी लोग अपनी आजीविका के लिए एक बहुत बड़े संसाधन पर आश्रित हैं। क्या आप जानते हैं हम किस संसाधन की बात कर रहे हैं? अपनी कक्षा में चर्चा करिए और उत्तर के साथ आइए। अपने उत्तर को जांचने के लिए जारी रखे बटन पर क्लिक करें।
ये सभी लोग अपनी आजीविका के लिए भूमि पर आश्रित हैं। मानव जाति के लिए एक अनिवार्य संसाधन के अतिरिक्त भूमि जंतुओं और वनस्पतियों के लिए उपयुक्त निवास स्थान उपलब्ध कराती है। भूमि संसाधन पांच मुख्य प्रकारों में विभाजित किए गए हैं। जंगल, भूमि जो खेती के लिए अनुपलब्ध है, अन्य अकृषित भूमि, ऊसर भूमि, कुल बुवाई क्षेत्र। भारत के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 23% हिस्से को जंगल घेरे हुए हैं। ये औसत हमारे इच्छित 33% के उस औसत से काफी कम है जो पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ऐसी भूमि जो खेती के लिए अनुपलब्ध है कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 14% है। इसमें बंजर एवं बेकार भूमि शामिल है, जैसे पथरीले, सूखे और रेगिस्तानी क्षेत्र। इस भूमि का उपयोग गैर कृषिगत कार्यों जैसे भवन निर्माण, उद्योग, सड़क, रेल आदि के लिए होता है। बंजर भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृषित भूमि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 9% है। इसके अंतर्गत स्थायी चरागाह और चरागाह भूमि तथा विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत आने वाली ऐसी भूमि आती है जो कुल बुआई क्षेत्र और कृषि योग्य बेकार भूमि में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बेकार भूमि के अंतर्गत ऐसी भूमि आती है जिस पर पिछले 5 कृषि वर्षों से कोई फसल ना उगाई गई हो। परती भूमि कुल भूमि क्षेत्र के लगभग 11% हिस्से को घेरती है। इसके अंतर्गत 2 तरह की भूमि आती है। ऐसी भूमि जिस पर पिछले 1 या 1 से कम कृषि वर्ष से कोई फसल नहीं उगाई गई हो, उसे वर्तमान परती भूमि कहा जाता है। और ऐसी भूमि जिस पर पिछले 1 से 5 कृषि वर्ष से कोई फसल न उगाई गई हो, उसे वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त माना जाता है। ऐसी भूमि जो फिलहाल कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही हो, उसे कुल बुआई क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ये भूमि क्षेत्र का 43% है। कुल बुआई क्षेत्र में जब ऐसे क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है जो एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोए जाते हैं, तो उसे सकल फसल क्षेत्र कहा जाता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक है। मैं एक मृदा वैज्ञानिक हूँ। क्या आप जानते हैं मृदा वैज्ञानिक कौन होते हैं? मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। मिट्टी एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय स्रोत है। भारत में कई किस्म की मिट्टियां पाई जाती हैं। क्या आप इनमें से कुछ नाम बता सकते हैं? अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूं।
स्थान पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी होती है जो तीन हिमालयी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जलोढ़ के जमाव से बनी है। जलोढ़ मिट्टी में बालू, गाद और कीचड़ विभिन्न अनुपातों में होती हैं। इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक अम्ल और चूने का बहुत अनुपात होता है। शुष्क क्षेत्र की मिट्टी क्षारीय होती है और इसे सही उपचार और सिंचाई से उपजाऊ बनाया जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदानों और पूर्वी समुद्र तट के किनारे किनारे पाई जाती है। ये पतले प्रसार के साथ राजस्थान और गुजरात तक फैली है। ये मिट्टी गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाजों तथा दलहन उगाने के लिए आदर्श है। मैं अब महाराष्ट्र में हूं। इस स्थान में काली मिट्टी पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु की स्थिति और मूल चट्टानी पदार्थ मिट्टी के निर्माण के मुख्य कारक हैं। काली मिट्टी अत्यधिक बारीक चिकनी मिट्टी जैसे पदार्थ से बनी है और इसमें नमी की खूब मात्रा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और चूने जैसे मृद पोषक भरपूर होते हैं। काली मिट्टी डेक्कन के पठार, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा के पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोदावरी तथा कृष्णा की घाटियों में पाई जाती है। काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये कपास उगाने के लिए आदर्श होती है। ये भूमि जो उड़ीसा में स्थित है, इसमें लाल मिट्टी मौजूद है। लाल मिट्टी निम्न वर्षा वाले इलाकों में मौजूद रवेदार अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में मौजूद लोहे के होने से बनती है। जब लोहा हाइड्रेट रूप में हो तो ये मिट्टी पीली हो जाती है। ये मिट्टी उड़ीसा के कुछ भागों, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के निचले भाग और दक्कन के पठार के पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती और इन्हें उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक और प्राकृतिक उर्वरकों की जरूरत होती है। अभी मैं कर्नाटक के एक मैदान में खड़ा हूं। इस भूमि में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण तब होता है जब उच्च तापमान रहता है और तेज बारिश से इसके आवश्यक लवण, पोषण और खनिज बह जाते हैं। ये मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और आसाम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बहुत ही अल्प ह्यूमस होते हैं। उचित मुद्रा संरक्षण तकनीकों को अपनाने से पहाड़ी क्षेत्र में ये मिट्टी चाय और कॉफी उगाने के काम आती है। लाल लैटराइट मिट्टी काजू उगाने के लिए उपयुक्त है। मैं अब राजस्थान में खड़ा हूं जहां निर्जल मिट्टी होती है। निर्जल मिट्टी का रंग लाल या भूरा होता है। ये रूप रंग से बालुवाई और प्रकृति से लवणीय होती है।
शुष्क जलवायु और उच्च तापमान से मिट्टी की ह्यूमस और नमी चली जाती है। ये मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। मिट्टी की निचली परत में कंकड़ जमा रहते हैं, जिसमें कैल्शियम भरपूर होता है। कंकड़ के स्तर से जल का समावेश नहीं हो पाता, इसलिए ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उचित सिंचाई की जरूरत होती है। अब हम हिमालय की तराई में हैं। इस स्थान में जंगली मिट्टी पाई जाती है। वन मृदा हिमालय क्षेत्र के वर्षा वनों में पाई जाती है। ये घाटियों में दोमट और दाल युक्त होती है और ऊपरी ढाल पर खुरदरे दाने के रूप में। घाटी के निम्न भाग में पाई जाने वाली मिट्टी उपजाऊ होती है, जिसमें फल उगाए जाते हैं।